प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां महिला की मौत के बाद मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के किंधौली गांव निवासी रंजना निर्मल की शादी 11 मई 2016 को मानिकपुर थाना क्षेत्र के ऐठू लाला बाजार निवासी संदीप निर्मल के साथ हुई थी। शादी के बाद रंजना के दो बेटे अभी और ऋतिक हुए। रंजना पांच भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। उसके पिता राम अवध की 2 महीने पहले मौत हो चुकी है। शादी के कुछ सालों बाद ससुराल वाले दहेज में जंजीर और भैंस की मांग करने लगे। इकलौती बहन होने के चलते भाइयों ने 1 माह पूर्व भैंस भी दिया। आरोप है कि गुरुवार को रंजना के पति संदीप ने उसे मार पीट कर घायल कर दिया। पीड़िता रंजना जब मामले की शिकायत लेकर मानिकपुर थाना पहुंची तो पुलिस ने जबरन समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर उसके भाई और मां को डांटकर थाने से भगा दिया। रात में जब रंजना अपने ससुराल पहुंची तो पति ने फिर से उसे मारा पीटा। इसकी जानकारी उसने अपने भाई को फोन पर रात में ही दी। सुबह जब मायके वाले पहुंचे तो उसका शव कमरे के चूल्हे से लटका मिला। परिजन उसे उतार कर इलाज के लिए सीएससी कुंदा लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते अस्पताल में महिला के मायके वालों की भीड़ लग गई। मृतका के मायके वालों ने अस्पताल परिसर में पुलिस पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मृतका के भाई संजय का आरोप है कि मामले की तहरीर लेकर मानिकपुर थाने पहुंचे तो पुलिस उसकी मां से जबरन समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर उसकी बहन को ससुराल भेज दिया। अगर पुलिस ने ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की होती और उसकी बहन को जबरन ससुराल न भेजा होता तो उसकी बहन आज जीवित होती। पुलिस की लापरवाही से उसकी बहन की मौत हुई। जबरदस्ती मारे थे इसको, बुड्ढी को मारे थे, बोले मारो इसको पकड़ के। सुलह नहीं हो रही थी, डरा धमका के माँ को भी मारे थे, बहन को भी मारे थे, बहुत मारे थे पुलिस वाले। इनको नौकरी चली जाई, ये पुलिस वाले बहुत धमकी दे रहे थे सबको। गाली भी पक रहे थे पुलिस वाले बैठ के, गाली दिया रहे थे कुछ नहीं। अपनी जिम्मेदारियों से ये पुलिस वाले बोले हमारी जिम्मेदारियों से सिग्नेचर करो, हम इनको भेजते हैं, अगर कुछ होएगा तो हम अपनी जिम्मेदारी पे लेंगे। अभी हम मर चुकी है, अभी इसका क्या। सूचना पर सीओ अजीत सिंह पहुंचे और परिजनों को आरोपियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया तो परिजन शांत हुए। मृतका के पांच भाई संजय, संदीप, पिंटू, ज्ञानचंद, हरिचंद और मां आशा देवी उर्फ देवरहिन का रो रोकर बुरा हाल है। पूरे मामले में सीओ अजीत सिंह का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस पर लगाए जा रहे आरोपों की भी जाँच की जाएगी। मेरा नाम ज्ञानचंद है, निर्मल है, ग्राम किन्होली, पोस्ट बाबागंज, थाना संग्रामगढ़। क्या मामला है? मामला ये है, मेरी बहन ऐठू में किया था, लाला बाजार ऐठू में, और मेरी बहन को ये लोग फांसी लगा के मार डाले। तब, इसके तब की घटना है? कल की रात में एक घटना है, परसों रात को ये लोग फोन करके बोली थी कि मुझे उसकी सास और मेरा जीजा और उसकी माँ मतलब गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और मार रहे हैं। वो बोली आए तो हम बोले सुबह आएंगे लेने, सुबह ये उसको फांसी लगा के मार डाले। आए दिन ये मारपीट होती थी? आए दिन ये मारपीट होती थी। मैंने कितनी बार इन लोग को समझाया, लोग नहीं समझ रहे हैं। बार बार ये लोग जंजीर मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। उसके बावजूद हमने 50,000 की भैंस दिया, 10,000 की बकरी दिया। वो लोग को इनकी थाने में शिकायत नहीं की? थाने में शिकायत की थी तो सर पुलिस वाले बोल रहे थे कि आप लोग साइन नहीं करोगे तो डंडे से मारूंगा। कब? कल 1 तारीख 2024 में था सर। हमारी माँ गई थी, हमारी माँ जोर जोर चीख चीख के बोल रही है मुकदमा करिए, मुकदमा करिए। पुलिस वाले बोल रहे हैं नहीं, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, सिग्नेचर करो। मारे पीटे थे क्या? बहुत मारे थे, तो मेरे माँ को भी चमाड़ मार दिए थे पुलिस वाले ले। पुलिस वाले? हाँ, वो बोले मेरे को कि नहीं सिग्नेचर करेगी तो मैं मारूंगा। सिग्नेचर किस बात का? सिग्नेचर समझौता, सुलहनामा कराए थे लोग। अच्छा, ये लोग बोले मतलब कल थाने गए थे और रात में ही घटना जी रात में ही घटना हो गई। वो लोग जबरदस्ती में लेके आ रहा था तो वो लोग बोले नहीं मैं ले जा रहा हूँ दवा कराने के लिए, बस इतने ही सी बात है। हम लोग छोड़ के अपने अपने घर चले आए सब लोग। तो लोग को कितनी बार पुलिस वाले ने बहुत डराया धमकाया लोग को। आप ही लोगों को? हम गए थे स्वयं, मेरे भाई में स्वयं था, मेरे भाई को जबरदस्ती बोले इधर आ, गाली भी दे रहे थे, गाली भी दिए माँ बहन की, और वो मतलब बोले कि ये पति पत्नी सुलह है तो तू भी सुलह हो। भाई बोला बहन को भी डरा धमका के ले जाके साइबर स्टूडियो में मार पीट के बोले साइन कर, पति पत्नी है तू भी साइन कर, ऐसा हुआ बोल के गाड़ी वाली दे के उसके बाद मेरे भाई को भी मार कर साइन करा लिए, बोले तू भी सुलह हो, तू कौन होता है। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।